बालों का टूटना, बालों का टूटना। देखिए भैया, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर किसी व्यक्ति के, देखिए बाल, अगर बाल ही टूट रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, पतले हो रहे हैं, बेसिकली बालों की ए से लेके जेड तक की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाला एक छोटा सा उपाय। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा विटामिन ई वाले कैप्सूल आपको कोकोनट ऑयल में मिला के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा घरेलू प्रयोग है, आपने वो चीज अरेंज करनी है बस। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा। आपने ड्राई भृंगराज लेके आना है। देखिए ड्राई भृंगराज, अब जो तेल बनाने का प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आप अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो, और अगर आपने प्रोसेस समझ के अगर इस तेल को आपने बना लिया, तो आपकी प्रॉब्लम जेन्युइनली 100% रूप से खत्म हो जाएगी बिना किसी दवाई का इस्तेमाल किए। तो प्रोसेस जरा समझिए, आपने भृंगराज लेके आना है पंसारी की दुकान से, उसको लाके अच्छे से, अगर पाउडर फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर लीव सूखे हुए पत्ते के फॉर्म में आप लेके आ रहे हैं तो आप उसको फिर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद, या ग्राइंड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, करीब करीब 50 से 60 ग्राम, 100 ग्राम आप भृंगराज लेके आए। अब आपने आधा किलो सरसों का तेल लेना है या फिर कोकोनट ऑयल ले लें। आपने बेसिकली भृंगराज का तेल बनाना है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या तो सरसों का तेल आप लें या फिर आप कोकोनट ऑयल लें, इनमें से कोई भी एक तेल ले। आधा किलो तेल आपने लेना है, इसका रेशियो रहेगा 1:5 का। देखिए 500 ग्राम अगर आपने तेल लिया है तो 100 ग्राम आपने भृंगराज का पाउडर डाल के उसको, या फिर भृंगराज के ड्राई पत्ते डाल के आपने उसको बॉईल करना पड़ेगा। दोस्तों इस तेल को आपने धीमी आंच पे धीरे धीरे आपने पकाना है, और जब अच्छे से पक जाए, आधा पौना घंटा करीब करीब धीमी आंच पे या 1 घंटा मैक्सिमम जब पके, उसके बाद आप गैस को बंद कर दें और ठंडा होने के लिए रखें। ठंडा होने के बाद में आप इसको छान लें, और जो भृंगराज की पत्तियां या फिर उसका पाउडर रहेगा उसको अच्छे से निचोड़ लें, ताकि उसका सारा का सारा जो गुण है वो तेल के अंदर में मिक्स हो जाए। उसके बाद किसी कांच की शीशी में डाल के आप रखिए। इससे बेस्ट कोई दूसरी चीज आपको नहीं मिलने वाली। अब इस्तेमाल करने का तरीका छोटा सा है, समझिए, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए आप रात को सोते टाइम पे इस तेल को आप अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं, जिनके कमजोर बाल हैं वो अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं, और ऊपर से सूती कपड़ा लपेट के सो जाएं। सुबह उठ के मुल्तानी मिट्टी और दही से अपने बालों को धो लें, या फिर बेसन डाल के धोएं। शैम्पू या फिर साबुन का इस्तेमाल कभी भी ना करें अपने बालों के लिए। देखिए मैंने कभी साबुन शैम्पू कभी आज तक मैं यूज़ नहीं करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें केमिकल पाया जाता है। साबुन भी यूज मत करिए अपने बालों के लिए, और किसी दूसरी तरह का केमिकल बेस्ड शैम्पू भी आप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ऐसे में बालों की जड़ें हमारी कमज़ोर होती हैं, क्योंकि हमारा खान पान आज के टाइम पे इतना हेल्दी नहीं रहता है। तो हमें इसलिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप इसका इस्तेमाल करिए हर रोज़। लेडीज को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए, और जो लड़के हैं वो डेली रात को सोते सोने से पहले इसका इस्तेमाल अप्लाई करके सो सकते हैं, और सुबह उठ के अपने बालों को धो सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट आपको 100% रूप से देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इसको जरूर ट्राई करिए। जानकारी कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसी वीडियो भी फ्यूचर में आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।